तो आप काबुल जा रहे हो? हाँ काबुल में स्टे करोगे? हाँ सोचा था। फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ फॉर काबुल अफगानिस्तान। और मजे की बात यह है कि वो रहा एटीएम। भाई खाना बहुत सस्ता है यहाँ पे, मतलब ये कैरेट का जूस, ये लार्ज फ्रेंच फ्राइज और ये ग्रीन सैलेड सब मिला के सिर्फ 260 अफगानी रुपी, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 250 रुपया या 255 रुपीज़। अगर पिछले वीडियो में आपने देखा रहेगा कि मैं एटीएम से एयरपोर्ट के वहाँ पे एटीएम से 7,000 रुपये निकाले थे, उसमें से 3,500 रुपये होटल वाले को दिए, 400 रुपये टैक्सी वाले को दिए और 260 बस। तो बचा कुछ है पैसे, मुझे नहीं लगता इतने सब यूज़ हो गए। कुछ तो लेके जाऊँगा इंडिया और कुछ वापस एक्सचेंज करा दूंगा एयरपोर्ट पर। जो भी वेज ऑप्शंस में मंगाया बहुत अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, पेट भर गया, खुश हो गया। सो एनीवेज, अगर पिछला वीडियो आपने देखा जो कि व्लॉग नंबर 1 था काबुल अफगानिस्तान सीरीज का, तो उसमें मैंने बताया कि मैं उज़्बेकिस्तान में था, घूम रहा था, फिर ताशकंद से मैंने फ़्लाइट पकड़ी काम एयरलाइंस की जो कि अफगानिस्तान कैरियर है और उसका होल्ड काबुल में रहता है। तो जैसे ही मैंने बुक करी, बिकॉज ऑफ चीप टिकट सिर्फ 13,000 की मिल रही थी ताशकंद टू काबुल टू न्यू दिल्ली, तो बुक करने के बाद मेरे को पता चला कि ट्रांजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अफगानिस्तान का लगेगा, तभी बोर्डिंग अलाउ करेंगे काम एयरलाइंस वाले। फिर मैंने ताशकंद में ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मेरे को मिल गया। तो इस वीडियो में मैं पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा कैसे मिला, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे और क्या कॉस्टिंग लगी, जो भी है जैसा भी है। लेकिन मैं रूम में नहीं सुनाता हूँ, हम जाते हैं 10th फ्लोर पे जहाँ टेरेस है और वहाँ से काबुल सिटी का व्यू परफेक्ट आएगा, बिकॉज हम बीचों बीच है काबुल सिटी में। सो लेट्स गो ऑन द टॉप फ्लोर। अच्छा हाँ, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई कि उज़्बेकिस्तान सीरीज़ और मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग की सीरीज़ जो भी आधी अधूरी छोड़कर मैं काबुल सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होने वाली है, 2 से 3 वीडियो ही बनेंगे, तो बने रहना। रशिया सीरीज़ और उज़्बेकिस्तान सीरीज़ आने वाली है इसके बाद। वीज़ा की स्टोरी ये थी कि पहले मैंने प्लान किया था मॉस्को के एम्बेसी में अप्लाई करूँ, मतलब मॉस्को में गूगल में सर्च किया था कि अफगानिस्तान एम्बेसी इन मॉस्को, तो मेरे को एक एड्रेस मिला था, तो वहाँ पे मैं गया। लेकिन वो फ्राइडे था तो बंद था, फिर बाहर कॉन्टैक्ट नंबर था, जो मेन कौंसिलर था, जनरल कौंसिलर था, उनका नंबर था, मैंने फ़ोन किया, तकरीबन हमारी बात हुई 12 मिनट, बहुत अच्छे से बात हुई, हिंदी में बात हुई, और उन्होंने मेरे को सब बताया कि आप मंडे आइए बेटा, आपका तुरंत कर देंगे हम ट्रांजिट वीज़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, रेट क्या लगेगा? उन्होंने बोला कि रेट तो फ्री होगा ट्रांजिट वीज़ा का, कोई दिक्कत नहीं, और डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगेगा, आपका पासपोर्ट और आपका जो टिकट है टिल दिल्ली तक का वो, और आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, दैट्स इट। मैंने कहा बहुत खूब, लेकिन मंडे को नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि संडे रात की मेरी फ़्लाइट है फॉर ताशकंद। तो उन्होंने बोला कि काम करो, कोई बात नहीं, आप ताशकंद से अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं ताशकंद आया तो मैंने पहले तो टिकट बुक कर ली, मैं बोला कि भाव बढ़ जाएगा, 13,000 का ही मिल रहा है, काम एयरलाइंस की मैंने टिकट बुक की। फिर मैंने गूगल मैप पे देखा कि कहाँ है ताशकंद में एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान, फिर सर्च किया, कॉन्टैक्ट नंबर था, कॉल किया, लगा नहीं कॉल, फिजिकली गया तो दोपहर के 3 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं होगा, 12 बजे तक ही होता है, तो आप कल आइए। मैंने कहा कि क्या क्या लाना है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं लाना है, सिर्फ पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आप खुद आइए बस। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया, मैंने यही सब लिया, बाकी कुछ लिया नहीं एज़ पर व्हाट दे सेड। फिर जो वीज़ा का मेन जो बंदा है वो आया और उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांग लिए मेरे से, मेरे से कोविड टेस्ट मांगी। मैंने बोला सर कोविड टेस्ट तो एक दिन पहले कराऊंगा ना जब मैं यहाँ से निकलूंगा, दूसरी बात कोविड टेस्ट है लेकिन वो मॉस्को वाली है जो 72 आवर्स पूरे हो गए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है वो भी चलेगा, वो ही ला लो। फिर मैंने कोविड टेस्ट लाई, फिर उन्होंने कहा कि टिकट, मैं बोला हाँ फ़ोन में ही है, बोला कि फ़ोन में नहीं चलेगा, प्रिंट आउट लेके आओ। तो मैंने फिर टिकट की प्रिंट आउट ली, फिर उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे कहाँ स्टे ले रहे हो? मैंने कहा कि एक हॉस्टल है, उन्होंने बोला कि उसकी भी प्रिंट आउट लगेगी।
तो ये 3 चक्कर हुए थे मेरे, और प्रिंटिंग ज़्यादा दूर भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट नज़दीक ही था, लेकिन बस वो सब डॉक्यूमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा आपका। मैंने कहा कि नहीं सर, मेरे को आज ही चाहिए। इसका कारण है कि मैं कल निकल रहा हूँ समरकंद के लिए और ट्रेन में जा रहा हूँ, पासपोर्ट तो लगेगा ही, विदाउट पासपोर्ट आई कांट ट्रैवल इन ट्रेन। उन्होंने बोला अरे ये तो आपका लुकआउट है। बोला सर अभी कर दो ना, एक ट्रांजिट की तो बात है, कौन सा मैं टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा मांग रहा हूँ, कर दो। क्योंकि क्या है ना, भले ही ट्रांजिट वीज़ा होता है 3 दिन के लिए, लेकिन मैं तो सिर्फ 20-22 घंटा ही रुकने वाला हूँ और मेरी टिकट का पैसा वेस्ट हो जाएगा, और मेरे को पासपोर्ट कैसे भी आज शाम तक चाहिए, बिकॉज कल मेरे को समरकंद जाना है, टिकट के पैसे उसके भी वेस्ट हो जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने दे दिए, आप ये फॉर्म भर दो, बस दैट्स इट, आप मेरे पे छोड़ दो। मैंने फॉर्म भरा, दे दिया। शाम को फिर वहाँ से कॉल आया कि आपका पासपोर्ट पे लग गया है बेटा, आ जाओ और कलेक्ट कर लो। मैं गया, पासपोर्ट लिया अपना, और फिर मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द फीस। उन्होंने कहा नो फीस, इट्स फ्री। मतलब वाह, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। बस ये थी स्टोरी, शॉर्ट एंड सिंपल, इतना इजी, विद इन 1 डे भले ट्रांजिट वीज़ा ही सही आ गया, विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी मजक मारी, तो बहुत अच्छा लगा था। तो शुरुआत ही अच्छी हो गई थी, मतलब जो शुरुआत होता है वीज़ा का, तो वही अच्छा हो गया था। फिर फ्लाइट वॉज गुड, और अभी फ़िलहाल है हम शाम के वक्त में काबुल, और अब हम एक्सप्लोर करने वाले काबुल सिटी। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया बताना कि वो वीज़ा सेंटर में मेरे को ये भी पूछा गया था कि इंडियन एम्बेसी का लेटर है, तो मैंने कहा नहीं है। अगर टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करते हो तो इंडियन एम्बेसी का लेटर होना ज़रूरी है। इंडियन एम्बेसी आपको परमिशन देगी कि ठीक है आप जा सकते हो, ताकि इंडियन गवर्नमेंट के भी नज़र में आप रहते हो कि आप अफगानिस्तान गए हो, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट सो सेफ कंट्री, राइट। लेकिन ट्रांजिट वीज़ा के लिए नहीं चाहिए। मैंने कहा सर ट्रांजिट वीज़ा के लिए नहीं चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है। तो ये था कि ट्रांजिट वीज़ा के लिए वो लेटर नहीं लगता है। ये एक दरवाज़ा, ये दूसरा दरवाज़ा, ऐसी है होटल की एंट्री। और ये देखो ऐसे गार्ड्स, 6 गार्ड्स खड़े थे, अभी तो एक ही है। अच्छा उस तरफ है। यहाँ पे भी मॉस्को जैसा ही सीन है, बहुत कम लोग मास्क पहनते ना के बरोबर, पता नहीं यार क्यों, जबकि अफगानिस्तान में केसेस है, कोविड केसेस है। ये स्ट्रीट में लगातार कम से कम ये 15वीं एयरलाइन है जिसकी ऑफिस है, काम एयरलाइन की ये रही, और उसके पहले पाकिस्तान एयरलाइंस और ना जाने कितने टूर्स एंड ट्रेवल्स, सारी ये लेन में ही है। तो अभी हम है द पार्क मॉल काबुल के, और अच्छा मॉल लग रहा है, मुझे पता नहीं था कि काबुल में मॉल के भी दर्शन हो गए। आपका नहीं, ओके 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 ओके। आप वीडियो लोगे तो बोलेंगे नो नो, डोंट टेक माय फोटो, डोंट टेक माय वीडियो, डिलीट डिलीट। मतलब पता नहीं, कोई लगता है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि कुछ है, बिकॉज मेरे को कोई दूसरा बंदा बोलता है कि ये लोग ना इसलिए बोल रहे क्योंकि ये लोग पुलिस से डरते। मुस्तफ़ा जी, आपका नाम? जलाल। आपका नाम? तैमूर। तैमूर अकमल। अच्छा आप लाइन से खड़े हो हाइट के हिसाब।